फलानवा में फलानवा को रेल दिया, तो या तो मेरे सामने तुम आ जाओ, तो हाँ। पवन सिंह चाहते हैं कि वही लोग पहुंचे जो पवन सिंह के चाटुकारिता करते हैं। ये गए होटल के बाहर खड़े रह गए लेकिन एंट्री नहीं मिल पाया। फ्लोर से बहुत बड़ा फैन है उनके, अंदर जाने का बहुत सारा कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हम लोग अंदर नहीं जाने दिया जाता है, बाहर ही रखा गया। पवन सिंह करते क्या है, जो पवन सिंह के चाहने वाले लोग हैं ना, उन लोगों को बाहर गेट पे इंतजार करने के लिए छोड़ देते हैं और पवन सिंह के चाटुकार टाइप के लंडे लोग उनको एंट्री करवाते हैं। अगर लड़ाई हो जाएगा पवन सिंह से तो कौन लड़ेगा, कौन गिरेगा। पवन सिंह का नया एक गाना आया है जिसका नाम है सड़िया। उसका इवेंट हुआ था लखनऊ में, बहुत ही जबरदस्त तरीके का इवेंट था, बहुत ही तमाम क्रिएटर्स लोगों को बुलाया गया था और वहां पे उन लोगों को खाना भी खिलाया गया था। इसके बाद से इवेंट स्टार्ट होता है और इवेंट स्टार्ट होता है तो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र था तो वो सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव। आखिर में ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ जान लीजिए, है कि नहीं। खेसारी लाल यादव के बारे में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाल फिलहाल खेसारी लाल यादव लाइव में आकर के कुछ इस तरीके का विवाद क्रिएट करते हैं और वही खुन्नस उतारने के लिए पवन सिंह लाइव इवेंट करते हैं और इवेंट में तमाम इस लाइव के बारे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं कि रे लाइव लाइव। खैर इसके बारे में जिक्र तो करेंगे लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इवेंट में बहुत जगह पे गया हूँ, बड़े बड़े कलाकारों के साथ इवेंट अटेंड किया हूँ लेकिन आज तक मैं पवन सिंह के इवेंट में नहीं पहुंच पाया। दिली तमन्ना है कि पवन सिंह के इवेंट में मैं भी पहुंचूं लेकिन नहीं पहुंच पाता हूं। रीजन पता है क्या, सिर्फ मैं ही नहीं पहुंच पाता हूं, तमाम बड़े बड़े क्रिएटर्स भी नहीं पहुंच पाते हैं। पता है क्यों, क्योंकि पवन सिंह चाहते हैं कि वही लोग पहुंचे जो पवन सिंह के चाटुकारिता करते हैं, मतलब पतल चटवा टाइप के लौंडे लोग होते हैं ना, वही लोगों को बुलाते हैं पवन सिंह। क्या गलत बोल रहे हैं? आप भी ये जो हमारे साथ में हैं, ये शुभम जी हैं, बहुत ही बेहतरीन क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, ये भी कोशिश करते हैं लगातार कि पवन सिंह के इवेंट में पहुंचूं और लखनऊ भी ये गए होटल के बाहर खड़े रह गए लेकिन एंट्री नहीं मिल पाया। पीछे रीजन क्या है आप ही बताइए। वहां जाने के बाद सबसे पहले उन्हीं लोग को एंट्री दिया जाता है जिनके पास पास होता है और हम लोग फैन फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ा फैन है उनके, अंदर जाने का बहुत सारा कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हम लोग अंदर नहीं जाने दिया जाता है, बाहर ही रखा गया। आखिर में वजह क्या है कि बाहर में आप लोगों को रखा जाता है? अब ये तो क्या बताएं, हम जो उनके साथ दिन भर रहते हैं बस उन्हीं लोग, हर बार एक ही चेहरा देखने के लिए मिलता है। मतलब साफ शब्द में बोला जाए तो चाटुकार लोग ही ना एंट्री कर रहे हैं जी पवन सिंह जी। अब साफ शब्द में बोलने में दिक्कत क्या हो रहा है, बोलिए ना भाई। कौन है, नहीं बोलना है बोलिए ताकि ये वीडियो उन तमाम लोगों के पास पहुंचे जो चाटुकारिता कर के अंदर घुसते हैं और पवन सिंह उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा, एक ही चेहरा। मतलब इवेंट की बात करें तो उससे बेहतर तो हमारे मनी मेराज है जो न जाने कितने 250 लोगों को बुलाते हैं। छोटा 1000 सब्सक्राइबर्स या 1000 फॉलोअर्स हो चाहे 1,000,000 फॉलोअर्स हो, तमाम लोगों को एक समान देखते हैं और उन लोगों को सुबह से लेकर के शाम तक खाना खिलाते हैं और इवेंट में इस तरीके से इज्जत करते हैं कि मतलब पूछिए मत। और साथ में वो लोग प्राइज रखते हैं, लाख लाख रुपए का गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं लेकिन पवन सिंह करते क्या है, जो पवन सिंह के चाहने वाले लोग हैं ना, उन लोगों को बाहर गेट पे इंतजार करने के लिए छोड़ देते हैं और पवन सिंह के चाटुकार टाइप के लौंडे लोग उनको एंट्री करवाते हैं और वहां पे दम भर खाते हैं और खाने के बाद पवन सिंह का वही चीज चलाते हैं जो पवन सिंह को पसंद होता है। क्या हम लोग खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, बस एंट्री मिल जाए, बस उनका इवेंट अटेंड करना चाहते थे और कुछ नहीं। इससे पहले मैं बोला कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव को टारगेट किए और सबसे बड़ा का आकर्षण का केंद्र अगर कोई था तो वो खेसारी लाल था, क्योंकि जब पवन सिंह इवेंट करते हैं तो वहां पे सिर्फ सड़िया का प्रमोशन नहीं बल्कि खेसारी लाल यादव जो लाइव आए थे उसको टैग करके ये बोलते हैं कि अगर हम तुम्हारे में दम है तो तुम मेरे पास आ जाओ या फिर तुम बोलो मैं तुम्हारे पास आ जाओ। मतलब क्या आप कलाकार हैं ना जी, आप कलाकार को इस तरीके का बोलने का कहां से तुक है भाई मेरे, क्या ये शोभा देता है? पावर स्टार ने बने हैं पवन सिंह जी, हैं पावर स्टार का लैंग्वेज इस तरीके से रहता है, लड़ाई झगड़ा पे आ जाइएगा। गायकी तो आपका चल रहा है, गायकी में भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, इसका मतलब क्या दबंगई में भी आप सुपरस्टार बनिएगा? और किससे आप लड़िएगा, खेसारी लाल यादव से?
और खेसारी लाल यादव देख रहे हैं ना किस तरीके का भुजंग टाइप का शरीर लेकर के बैठा है, एकदम से बॉडी सॉडी एकदम तगड़ा लेकर के बैठा है। आप उसे टकरा जाइएगा तो आपका क्या असर होगा आपको मालूम है? मालूम है क्या जी? पटक देंगे ना जी खेसारी लाल यादव। नहीं नहीं बोला जाए पवन सिंह से अगर लड़ाई हो जाएगा खेसारी लाल और पवन सिंह जी से कौन गिरेगा? लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। नहीं पवन सिंह के फैन होती इसका मतलब ये नहीं कि जुबान चुप रखना है कि बताओ पहले बिहार औरंगाबाद से ये लखनऊ पहुंच जाते हो पैसा लगा करके सिर्फ पवन सिंह का इवेंट अटेंड करने के लिए, लेकिन वहां पे एंट्री नहीं होती है उस समय तकलीफ नहीं लगता है? आ? मतलब इसका मतलब यही है ना कि हम यही ना बोले भाई मेरे कि अंधभक्त हो तुम, पवन सिंह के एकदम से पगले सपोर्टर हो, पवन सिंह इस तरीके से आपको लात मार रहा है, बुला नहीं रहा है, एंट्री नहीं करा रहा है और दिन रात पवन सिंह आप करते रहते हो, इसके बावजूद भी आपको एंट्री नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी आप बोलते हो कि नहीं पवन सिंह अच्छा है। हाँ, क्या करेंगे मतलब पवन सिंह खाना दे रहा है? खाना तो कोई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ दे रहा है, पैसा उसे देता है। दिल में जगह बना है तो पवन सिंह जी जगह उन लोगों को भी दीजिए जो आपके छोटे कलाकार जो छोटे क्रिएटर्स हैं वो लोग भी आपसे मिलना चाहते हैं, तो उनको भी आप लोग बुलाइए, ये ना कि इस तरीके से रास्ते में छोड़ दीजिए, गेट पे भटकने के लिए छोड़ दीजिए। और जो आपके चाटुकार टाइप के लोग हैं, आपके जो आपके फेवर में न्यूज चलाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उन्हीं लोगों को एंट्री करवाइए। तो इस तरीके का इवेंट करवाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे भी बुला सकते हैं उन लोगों को, और या फिर फोन करके 500-500 रुपया दे दीजिएगा ना, तब भी वो लोग आपके फेवर में वीडियो बना करके पोस्ट कर देंगे और आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा क्या? हाँ, बात तो है। गलत बोल रहे हैं तो बोला जाए, भले खेसारी लाल यादव इवेंट नहीं करवाते हैं लेकिन करवाएंगे तो चैलेंज करते हैं, मुझे चाहे इन्हें चाहे कोई भी क्रिएटर्स है वो तमाम लोगों को बुलाएंगे, क्या गलत बोल रहे हैं? सही बात है। और मनी मिराज जैसे शख्सियत से आप सीखिए पवन सिंह जी, इवेंट ही करवाना है तो पवन मनी मिराज का इवेंट आप एक बार देख लीजिए, हमारे चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है, एक बार देखिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि मनी मिराज इवेंट में बुलाते तो जरूर हैं, खाना भी खिलाते तो जरूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से स्टेज पे इज्जत देते हैं, जिस तरीके से 1,00,000 रुपए का इनाम देते हैं, न जाने कितने क्रिएटर्स लोगों को स्मार्ट वॉच मोबाइल से नवाजते हैं, इस तरीके का अगर आप करिएगा तो मैं बता रहा हूँ आपका जो दिमाग है ना घूम जाएगा, आप गायकी नहीं बल्कि पागलपंती करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये है कड़वा सच, अगर यकीन नहीं होता है तो एक बार हमारे वीडियो को देखिएगा तब समझ में आएगा। और हाँ, मुझे किसी चीजों का बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि पवन सिंह जी इवेंट करवा रहे हैं तो सभी लोगों को एक समान समझिए, तब जाकर के मजा आएगा। बात सही है कि नहीं? इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ, आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। जय हिंद।